परमेश्वर का प्रेम इतना महान है, जब आप उस प्रेम को जानेंगे ना, आप अपना सब कुछ बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे, अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु के पास आने के लिए तैयार हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये प्रेम मैंने चखा है। जी हाँ, उस प्रेम में इतना ताकत है कि संसार की कोई भी ताकत हमें उस प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हेलो एंजल से कि मेरे प्यारे दोस्तों, मैं विजय छेत्री आप सभी का एंजल से स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। आज फिर से मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आया हूँ और ये कहानी है बाइबल से। एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से एक दृष्टांत में बात करते हैं और उस कहानी से ये समझाने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर कितने महान हैं और उनकी नज़र में हम कितने मूल्यवान हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य एक खेत में छुपा हुआ वो धन के समान है जो एक मनुष्य को मिलता है और वो मारे खुशी के जाता है और अपना सब कुछ बेचकर वापस आकर उस खेत को खरीद लेता है। जहाँ दोस्तों, इस दृष्टांत से प्रभु यीशु मसीह क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे कि परमेश्वर उस धन के समान है जो बहुत ही बहुमूल्य है, एक मनुष्य को मिलता है और वो सोचता है कि शायद इतना होगा उस धन में, लेकिन जब वो उसे देखता है, जब वो ढूंढता है, तो सोचने से भी बढ़कर उसे मिलता है और वो आनंदित हो उठता है, इतना खुशी हो उठता है कि वो अपनी खुशी को खुद के पास ही वो सीमित नहीं रख पाता है। इसलिए वो जाता है और जाकर अपने पास जो भी था सब कुछ बेचकर उस खेत को वो खरीद लेता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर इतने महान है, इतने दयालु है कि आपको जो चाहिए सब कुछ उनके पास में है। बाइबल कहता है कि धन्य है वे जो परमेश्वर को ढूंढते हैं, धन्य है वे जो परमेश्वर की बाट जोहते हैं, धन्य है वे जिसने परमेश्वर को पहचान लिया। क्योंकि यदि हमें घमंड करना ही है तो बाइबल कहता है कि तुम इस बात पर घमंड मत करो कि तुम्हारे पास ज्ञान है, बुद्धि है, ताकत है, लेकिन इस बात पर घमंड करो कि तुम परमेश्वर को जानते हो। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन्हें पहचाने, इसलिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आए ताकि वे हमें परमेश्वर से मिला सके, वे हमें पहचान करवा सके कि तुम्हारा जो परमेश्वर, तुम्हारे जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, एक स्वर्गीय पिता है, उनके हृदय में तुम्हारे प्रति इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस धन की तरह जो उस आदमी को मिला, वो इतना आनंदित हुआ कि वो गया वहां से और जाकर अपना सारा कुछ बेच कर आया, उस धन को खरीद लिया। इसका मतलब क्या है दोस्तों? कि हम जब परमेश्वर को पहचानेंगे ना, हम आनंदित हो उठेंगे और वो ऐसा आनंद होगा जो संसार हमें नहीं दे पाएगा, और संसार में उस आनंद को हम ढूंढ कर भी या खरीद कर हमें नहीं मिलेगा, वो आनंद केवल परमेश्वर ही हमें दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर वो धन है जिस धन से यदि आप टूटे हुए हृदय के हैं तो परमेश्वर जोड़ सकते हैं, यदि आप बीमारी में हैं तो वे चंगा कर सकते हैं, आपको जो कुछ चाहिए वो धन परमेश्वर के पास है। फिर उसके तुरंत बाद प्रभु यीशु कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य उस व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था, और जब उसे वो बहुमूल्य मोती मिल जाता है तो वो जाता है और अपना सब कुछ बेचकर आता है और उस मोती को खरीद लेता है। तो ये दूसरे दृष्टांत से प्रभु यीशु क्या कहना चाहते थे कि स्वर्ग का राज्य उस व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। तो यहाँ पे वो व्यापारी कौन है? यहाँ पे वो व्यापारी है स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो अच्छे मोतियों की खोज में है। आज अच्छा मोती कौन है बोलने से परमेश्वर की नज़र में हम अच्छे मोती हैं, लेकिन आपको पता है शैतान ने हमें इतना गिरा दिया पापों में कि हम अपना मूल्य खो चुके हैं। संसार की नज़र में भले हम तुच्छ होते होंगे, लेकिन परमेश्वर पिता की नज़र में हम आज भी वो बहुमूल्य मोती हैं। भले समाज की नज़र में आपका कोई वैल्यू ना हो, अपनों की नज़र में कोई वैल्यू ना हो, लेकिन परमेश्वर पिता के आगे आपका एक बहुमूल्य वैल्यू है। जी हाँ दोस्तों, बाइबल कहता है कि परमेश्वर की नज़र में हम उनकी आंखों के तारे हैं, बाइबल में लिखा है। जिस प्रकार एक माता पिता के नज़रों में उनका संतान अपनी आंखों के तारे होते हैं, उसी तरह परमेश्वर की नज़र में आप बहुमूल्य मोती हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए परमेश्वर का प्रेम इतना महान है, जब आप उस प्रेम को जानेंगे ना,
आप अपना सब कुछ बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे, अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु के पास आने के लिए तैयार हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये प्रेम मैंने चखा है। जी हाँ, उस प्रेम में इतना ताकत है कि संसार की कोई भी ताकत हमें उस प्रेम से अलग नहीं कर सकती। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर इसलिए कहते हैं कि मैं वो व्यापारी हूँ कि जब मैं ढूंढता हुआ आया और जो मुझे ढूंढ रहा था, सत्य परमेश्वर को सच्चे हृदय से जो ढूंढ रहा था, जब उसे मिला, एक बहुमूल्य मोती के रूप में परमेश्वर को जब मिला कि कौन मुझे ढूंढने वाला है, कौन है जो समझदार, जो सच्चा परमेश्वर की तलाश में है, जब प्रभु यीशु को वो आदमी मिला तो उन्होंने उसके लिए अपना सब कुछ बेच दिया। इसका मतलब क्या है? फिलिपी 2 अध्याय का अगर हम 6 से लेकर पढ़े तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर होने पर भी उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर इस पृथ्वी पे आए। परमेश्वर होने की बात को उन्होंने पकड़ कर नहीं रखा, उन्होंने छोड़ दिया और मनुष्य का रूप धारण किया, यहां तक कि अपने आप को दास समान बनाया और अपना जान दे दिया, अपना लहू बहाकर सारे मनुष्य के पाप धोने के लिए वो कीमत चुकाया। और उस लहू से शैतान ने जिस मोती को मैला कर दिया था, उसे चमकाकर आज हमें वो मोती बनाया, वो बहुमूल्य मोती बनाया परमेश्वर ने। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर वो व्यापारी है जो एक सच्चे मोती की तलाश में है और उनकी नजर में आप एक सच्चे और बहुमूल्य मोती है। इसलिए जब हम परमेश्वर को जानेंगे उस धन के रूप में, तो हम अपने आप को जान पाएंगे कि हम भी वो बहुमूल्य मोती है। इसलिए जब तक हम परमेश्वर को उस धन के रूप में नहीं जानेंगे, सच्चे परमेश्वर को, अपने सृष्टिकर्ता को, मुझे बनाने वाला परमेश्वर कौन है, उन्हें जब तक हम नहीं जानेंगे, तब तक हम अपने आप को भी नहीं जानेंगे, हमारा जीवन मीनिंगलेस रहेगा दोस्तों। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि नो योर क्रिएटर, अपने सृष्टिकर्ता को जानिए, तभी हम अपने आप को भी पहचान पाएंगे। जब हम परमेश्वर को उस धन के रूप में जानेंगे, तब हम ये जानेंगे कि उस धन का छोटा सा एक टुकड़ा, वो बहुमूल्य मोती हम भी हैं। या दोस्तों, परमेश्वर के नज़र में आप बहुमूल्य मोती हैं। तो यीशु मसीह ने आपको बचाने के लिए व्यक्तिगत रूप में उस क्रोश पे अपना जान दिया और उस मोती को साफ सुथरा चमकाने के लिए अपने लहू को बहाया उन्होंने, उस मूल्य को दिया उन्होंने, ताकि शैतान के हाथों से छुड़ाकर, उसके बंधनों से छुड़ाकर, उसके श्रापों से छुड़ाकर आपको नया सृष्टि बना सके। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। इस दृष्टांत से हम क्या क्या सीख सकते हैं, आइए फिर से रिकैप करें। यहाँ पे हम परमेश्वर के विषय में क्या जान सकते हैं कि परमेश्वर इतने दयालु है, इतने प्रेमी पिता है कि वे उनकी नज़र में हम बहुमूल्य मोती हैं। परमेश्वर स्वर्ग में सिर्फ बैठे नहीं है, वो आप और हमें बचाने के लिए स्वर्ग छोड़कर यहाँ तक कि एक दास का रूप धारण किया, मनुष्य का रूप धारण किया और इतना खुद को नीचे गिराया ताकि हमारी लेवल को उठा सके। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर के विषय में अगर गंभीरता से इन तीन पदों को हम देखेंगे, तो परमेश्वर का वो प्रेम इस इन पद में हमें दिखाई देता है। परमेश्वर वो धन है जिस धन का कोई अंत ही नहीं है। प्रेरित पौलुस, जो एक समय क्रिश्चियन को सताने वाला व्यक्ति था, जब उसने प्रभु यीशु को पा लिया, तो वो कहता है कि उस परमेश्वर को पहचानने की तुलना में संसारिक सारी बातों को मैं कूड़ा करकट समझता हूं। संसार की सारी बातों को मैं उस डस्टबिन में फेंकने लायक में समझता हूं। मेरा मान, इज्जत, धन, सम्मान, जो भी है, सब व्यर्थ है। जब आप उस परमेश्वर को पहचानेंगे, तो सांसारिक वस्तुएं आपको बेकार लगेगी। दोस्तों, बाइबल कहता है कि जवान सिंह को तो घटी होगी, एक समय आएगा जब जवान सिंह को भी भूखा सोना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर की खोज करने वालों के लिए, परमेश्वर की खोज करने वालों के लिए कुछ उत्तम वस्तु की कमी ना होगी। प्रभु कहते हैं कि पहले परमेश्वर के राज्य और उनकी धार्मिकता की खोज करो, तो सारी बातें तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। या दोस्तों, इसलिए समय रहते अपने जवानी के दिनों में, जब हमारे पास जोश है, जब हमारे पास जज्बा है, जब हमारे पास सब कुछ करने का पक्का इरादा है, उसी समय यदि हम अपने बनाने वाले सृष्टिकर्ता को पहचानेंगे ना, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा।
क्योंकि परमेश्वर बिना हम कुछ है ही नहीं। जो ये सांस ले रहे हैं ये भी उनका ही देन है। हर दिन प्रभु ने हमें दिया है ताकि हर दिन हम उस परमेश्वर को ढूंढे और उनके पास आए और हमारा जीवन एक आशीष जीवन हो सके। प्रभु इस कहानी के माध्यम से आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं दोस्तों। एक बार इस कहानी को फिर से सोचिए, दोबारा सुनिए, आपको परमेश्वर का एक संदेश मिलेगा और जब संदेश पे आप अमल करेंगे तो आपका जीवन भी आशीषित हो जाएगा। प्रभु आप सभी से प्रेम करते हैं। जय मसीह की।